हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी अमृता शुक्ला पे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स पसंद कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि आप साड़ी में बहुत अच्छा लग रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच। मैं हर टाइप का ड्रेस पहन लेती हूँ कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो आज मैं तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ा सा बस मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगा लिया है बस ऐसे ही। और पर्ल का देखिए मैंने ये इयररिंग्स पहना, ये मैंने पैंटलून से खरीदा था। और ये चूड़ी मैंने मेरे साड़ी के साथ मैंने मैचिंग करके पहन ली। आज एक बहुत दिनों के बाद में छोटा सा फैमिली फंक्शन है, मतलब मेरी ननंद की भतीजी की बेटी हुई है, तो आई थिंक 2-3 महीना हुआ होगा उनको, तो उनकी ही बच्ची की फंक्शन है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और बस उसी की तैयारी है। तो मैंने बस ऐसे ही हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में मैंने तैयार हो गई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्या पहन रही हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो फैमिली फंक्शन है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। और आप सब थैंक यू वेरी मच, मैंने पहले कहा है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स पसंद कर रहे हैं, डांस पसंद कर रहे हैं। डांस मेरा मतलब मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, इतना ज्यादा नहीं हो पाता टाइम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करते रहूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये साड़ी मैंने चूज की है पहनने के लिए, इसके साथ मैचिंग बैंगल्स मैंने पहन ली, ये यहीं पे सुंदरगढ़ से खरीदा था। और ये जो साड़ी है आप लोग देख रहे, आज इतना ज्यादा गर्मी है मैं क्या बताऊं आपको, तो इसीलिए मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ड्रेस पहन के चली जाऊं, सलवार कमीज कुछ भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे साड़ी पहनना चाहिए। और ये जो है ये बंगाली कॉटन है, ये मेरे मामा ससुर जो है पिंटू मामू जो यहाँ पे रहते हैं सुंदरगढ़ में, उन्होंने मुझे दिया था ये गिफ्ट पे। तो ये मैं साड़ी आज ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिहारी लोगों का फंक्शन है, तो वहां पे सब गॉर्जियस गॉर्जियस पहन के आएंगे, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट पहनना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बंगाली कॉटन ट्राई करूं और आपके साथ भी शेयर करूं। क्योंकि ये जो होता है ना, बंगाली में बहुत सारी साड़ियां होती है, जैसे जामदानी जो होती है ना बहुत ज्यादा खुली एकदम बहुत डिफिकल्ट होती है, और कॉटन भी रहती है जो देखिए हाथ में यहाँ पे बुनाई किया गया है, तो ये भी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कैसे पहन रही हूँ ये आपके साथ में मैं शेयर करूँ, और मेरे फंक्शन में भी मैं आपको लेके चलूंगी, तो अगर होगा तो मैं तैयार होगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग तैयार होते हैं। जो मैं आज जा रही हूँ फंक्शन में, मेरी जो ननंद है, मैं लिटिल दीदी कहती हूँ, वो यहाँ पे मतलब अभी यहीं पे हमारे घर में रह के भी उन्होंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया है, वो बालेश्वर से बिलोंग करती है, बंगाली हैं, अभिनव की छोटी बुआ की बेटी हैं और उनका लव मैरिज हुआ है, तो बस उन्हीं के घर में फंक्शन है। और ये देखिए मैं अभी साड़ी पहनना शुरू कर चुकी हूँ, मैंने पेटीकोट पहन लिया है, उसके बाद मैं बता रही थी कि आप लोग जो नाड़ा होता है मतलब डोर जो बांधते हैं हम, उसे आप बीच में सेंटर में ही उसे नट करिएगा। और मैंने एक राउंड अपना मैं अच्छे से टक कर रही हूँ, देखिएगा। और जितना आपको चाहिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा हील पहनने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से फ्लोर में थोड़ा सा बस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, जस्ट 1-2 इंच ज़्यादा टच होना चाहिए, उतना ही रखिएगा, और अंदर में आप उसे टक करते जाइएगा। और साड़ी को अच्छी तरीके से खोल के देखिए मैं किस तरीके से पल्ला को पकड़ के उसे, देखिए मैं प्लिट्स दिखा रही हूँ आपको, मैंने बस ऐसे ही पल्ले को बस कर लिया है। और देखिए मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन बंगाली जो होती है ना थोड़ी हार्ड होती है, तो उससे क्या होगा उसके जो प्लेट्स के जो क्रीज होते हैं ना वो सही से बैठ जाएंगे और आसानी होगी थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और क्योंकि ये कॉटन साड़ी थोड़ा सा मैंने कहा था ना जैसे खड़ा खड़ा रहता है एकदम से हमारी तरफ में हम कहते हैं, और जी हाँ मैंने ना अभी सेफ्टी पिन लाना भूल गया था, मैं भूल गई थी, तो बस फिर से मैं सेफ्टी पिन ला के फिर मैंने जैसे आपको बताया 4 फिंगर्स को काउंट देखते हुए आप लोग को वहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेना है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि सेफ्टी पिन लगाने से एक शेप जो होता है हम लोग का वो अच्छा आता है, इसीलिए मैंने लगाया है। और ये बस मैं शुरू हो गई प्लेट्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर इधर से स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि कॉटन की है, तो बस देखिए मैंने कैसे अपने मिडिल फिंगर को पकड़ के अपने थम्स के हेल्प से कैसे ये किया है, प्लेट्स किया है, वो अच्छे से आप देखिएगा, और कभी दूसरे ब्लॉग में मैं और अच्छे से आपको बता दूँगी। और जो फर्स्ट प्लेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो क्योंकि सेकंड थर्ड जो होता है उसके अंदर में रह जाएंगे प्लेट्स, तो उसी हिसाब से फर्स्ट प्लेट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। और हाइट भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब अच्छे से हमें सेट करने के लिए, और हाँ थोड़ा झटक झटक दीजिएगा प्लेट्स को एक साथ लेके, और बस ऐसे ही अकेले जब आपको पहनना हो किसी के हेल्प के बिना, बस इसी तरीके से अपने हाथों से ही उसे प्रेस कर लीजिए। और देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था उसे कैसे वहाँ पर टक कर दिया, मतलब पूरा फिटिंग आना चाहिए तो अच्छा लगेगा, जी हाँ। और बस मैंने जितना मुझे लगा उतना मैंने टक कर दिया, और जो साड़ियाँ थोड़ी बहुत इधर थी उसे मैंने अच्छी तरीके से टक करके उसे बस आप अपने हाथों से ही सेटिंग कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, बस जी हाँ। देखिए और अभी मेरा हो गया है, मैंने ऑलमोस्ट पहन लिया है साड़ी को,
और ये मैं टॉप के साथ पहन रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं ब्लाउज़ के साथ पहनूंगी तब समझ में आएगा। और ये देखिए मैंने अभी मेरा पल्ला के लिए मैंने अपने प्लेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये मैंने डिसाइड किया है कि ये जो गोल्डन कलर के बॉर्डर दिख रहे बस उतना ही मैं फ्रंट में रखूँगी, तो बस इसी तरीके से मैंने बस देखी और एक बार मैंने उसे मोड़ दिया है और अच्छी तरीके से एक एक करके प्लेट्स में बनाते जा रही हूँ। और अगर आपको ज़रूरत है आपकी साड़ी को सिक्योर करने के लिए, आप एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं और इस तरीके से अपना कर लीजिएगा। और मेरी बेटी वहीं पे पास में बैठी थी और बिल्कुल तैयार थी, तो मैंने कहा आओ बेटा तुम भी थोड़ा सा अपना ड्रेस दिखा लो। और बहुत प्यारी बच्ची बन गई है आजकल मेरी इशू वो बिल्कुल बदमाशी नहीं करती, बस अपना राउंड होके टर्न होके अपना फ्रॉक दिखा रही है। और बस ये इसी तरीके से अपने प्लेट्स को पकड़िएगा और अच्छी तरीके से हाथों से ही आप उसे आयरन कर दीजिएगा। मुझे तो सेफ्टी पिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। लोगों को लगता है कॉटन साड़ियाँ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन नहीं, अगर आप पहनना अच्छे से सीख जाओ ना तो कॉटन साड़ी से तो अच्छा मतलब परफेक्ट शेप और कोई साड़ी देगा ही नहीं। बस एक दो टिप्स रहते हैं जिसे आपको फॉलो करने रहते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से हाथों से अपने कर लिया और जितना चाहिए उतना आप अपने राइट की तरफ से आप खींच के कर सकते हो। और बस जहाँ आपको लगे थोड़ा सा दिक्कत आप सेफ्टी पिन लगा लेना, जैसे कि हम हाँ मैंने अपने बॉर्डर को सेट कर लिया। प्लेट्स की जगह पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे खैर नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं हो गई तैयार। तो चलिए अभी ब्लाउज़ के साथ में देखिए मैंने अभी पिन भी लगा लिया है। और इसके ब्लाउज़ पीस नहीं होते इन साड़ियों के, ये जो कॉटन की साड़ी रहती है बंगाली की, बंगाली साड़ियों की, तो इसके साथ मैंने ब्लाउज़ जो था मैंने ख़रीदा हुआ था, रेडीमेड ख़रीदते हैं ना, बस वही है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अगर चाहिए तो आप अपना सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, लेकिन खैर मुझे नहीं चाहिए होता है क्योंकि आदत हो गया है। और बस इसी तरीके से राइट साइड में आपके गोल्डन बॉर्डर को भी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और जो दूसरा तीसरा बॉर्डर होता है प्लेट्स उसको अंदर डालिएगा तो आपका अच्छे से दिखेगा। और बस हम हो गए हैं तैयार और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और बिल्कुल डरिएगा मत कि नहीं मैं नहीं पहन सकती, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप कैरी कर सकते हो। और बस हम लोग आज निकल गए हम लोग अभिनव मैं और ईशु ही जा रहे हैं, बाबा को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है और माँ कॉलेज गई हुई हैं एग्ज़ाम ड्यूटी में। तो बस और देखिए आसमान कितना साफ़ है, मतलब आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी। तो बस और हम लोग पहुँच गए कपड़े की दुकान में और बच्चों का ना इतना प्यारा प्यारा कपड़ा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो बेबी है वो 3 महीने की हैं सिर्फ, तो उनके लिए, और मेरी एक फ्रेंड की बेटी भी है जिसके लिए मैंने अभी तक ड्रेस नहीं खरीदा, तो मैंने उनके लिए भी एक प्यारा सा फ्रॉक खरीदा है, पता नहीं कब जाऊंगी उनके पास। और ये जो शॉप है ना माँ तारिणी, माँ बाबा कई सालों से आ रहे, इनफैक्ट माँ की माँ मतलब दीदुन जो है ना वो यहीं से शॉपिंग करती थी, तो मतलब बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा प्राइस में मतलब मिल जाता है कपड़ा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं सुजाता रेसिडेंसी में, यहीं पे हम लोग का पार्टी है और ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया था, बहुत ही कम लोग थे। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं, एकदम कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बेबी के होने की खुशी में उन लोगों ने बस एक छोटा सा पार्टी दिया है, क्योंकि उस समय जब बेबी हुई थी ना तब लॉकडाउन चल रहा था, तो इसीलिए। और बस स्टार्टर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, खाना तो अच्छा रहता ही है। और ये है मेरी ननद लिटिल दीदी और उनकी जो बड़ी दीदी है उधर है, और ये है हमारी तनी आंटी मैं तनी आंटी को बोल रही थी मैं वॉइस ओवर दूंगी और ये ना मैं उनको मजाक उड़ा रही थी क्योंकि वो ना वो अभी से सबकी चाची दादी सब बन चुकी हैं और ये दीदी की बड़ी जेठानी जी बैठी हैं और तनी आंटी के साथ बस वही हम छेड़छाड़ कर रहे थे कि अब मैं क्या बोलूँ, आप पर नानी पर दादी भी बनने लगे हो और ये इशू लव के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज है, 1 साल छोटा है लव, मतलब ये लिटिल दीदी का बेटा है, उनकी बेटी भी है लोरी, वो बड़ी है और ये लव जो है छोटा है, तो दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और ये देखिए बेबी, मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि फेस ना दिखाऊँ, थोड़ा सा हल्का सा, और ये बहुत ही प्यारी बेबी थी क्योंकि मतलब एकदम से रो नहीं रही थी। और ये है मेरे फेवरेट यानी कि लिटिल दीदी के हस्बैंड और हमारे घर के दामाद जी जोगेश दादा ये बहुत ही ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, पहले उतने नहीं थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं। वेरी गुड दीदी, कम ऑन, गुलू गुलू लव, हाय करते थे बेटा, तू हाय कर लू, हाय कर दो, कर दीजिए मत, चलो एक
और देखिए यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था, मतलब हम सब ने थोड़ा मिलके फोटोज़ भी उठाए बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लव इशू दोनों मस्ती करते हुए, और यहाँ पे उनके घर के सारे बच्चों के साथ इशू कितने अच्छे से मिल गई है, क्योंकि उसकी लोरी दीदी थी ना तो बस हम लोग लंच किए, लंच करने के बाद फिर वापस घर आ गए। और यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे पिक्स हमने उठाए थे, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बोलिएगा मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, और होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।